दोस्तों बात करने वाले एनएचपीसी स्टॉक के बारे में। देखो भाई, एनएचपीसी को लेकर अभी के टाइम बड़ी अपडेट आ रही है। एएसएमसी जो ग्लोबल है उसकी तरफ से दोस्तों चार स्टॉक को सिलेक्ट किया गया है, जिनको लेकर यहाँ पे उन्होंने अपने टारगेट दिए हैं। यहाँ पे बोला है कि भाई इन कंपनियों के फंडामेंटल बेटर है। दो कंपनियों के फंडामेंटल के अकॉर्डिंग उनको चुना गया है। दो कंपनी ऐसी है जिनको यहाँ पे उनके चार्ट पैटर्न को, मतलब जो टेक्निकली जो डाटा है उसको देख के चुना गया है। एंड आपके एनएचपीसी को फंडामेंटल के अकॉर्डिंग टारगेट दिया गया है कि आने वाले टाइम में ये कहाँ तक जा सकता है। देखो अभी के टाइम दोस्तों आपको डेफिनेटली वोलेटिलिटी नजर आ रही है, बट मैं एक चीज बता दूं कि मार्केट में अच्छा रिटर्न पाने के लिए पहले तपना पड़ता है। पहले यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ता है। वो चीज अभी के टाइम आपको देखने को मिल रही है। ये जो वोलेटिलिटी आपको पैनिक भी कर रही होगी, बट मेन चीज दोस्तों कि लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रही। जो 98 रुपए का आपका सपोर्ट था वो अभी तक टूटा नहीं है। करंटली हमें 100+ अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको पता है एक पॉजिटिव न्यूज भी देखने को मिली थी कि कंपनी ने दोस्तों ऑलराउंड यहाँ पे जो गुजरात उसके खावड़ा के अंदर 200 मेगावाट का पावर प्लांट है वो कंपनी यहाँ पे लगाएगी। इसकी लागत देखा जाए इन्वेस्टमेंट 846 करोड़ रुपए का रहेगा। तो कंपनी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट भी करी, बट उसके बाद उसी दिन स्टॉक ने तेजी दिखाई। उसके बाद आज अगर आप देखोगे तो जो मोमेंटम है वो फिर से हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे करंटली कितना ही पॉजिटिव पे टाइप तेजी नहीं दिखा रहा है, कितना ही नेगेटिव पे टाइप वोलेटिलिटी तो रहेगी रहेगी। ठीक है, डाटा देखा जाए दोस्तों आज का अपडेट में आपको पूरा बताऊंगा कि यहाँ पे जो आपके जो ब्रोकरेज जो एसएमसी उन्होंने क्या कहा है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर देखेंगे, क्लियर करेंगे कि आगे के टारगेट क्या रहेंगे। मेन पॉइंट दोस्तों आज 2 करोड़ 9 लाख की टोटल वॉल्यूम रही है। डिलीवरी 40% के आसपास शेयर यहाँ पे डिलीवर होते हुए नजर आई। करंट टाइम पे 2200 से यहाँ पे जो सेल ऑर्डर है उसके अंदर देखने को मिल रहा है। करंटली दोस्तों इंफ्रा जो है उसके अंदर, यहाँ पे इंफ्रा इंडेक्स है उसके अंदर, जो निफ्टी इंफ्रा है उसके अंदर कंपनी इंक्लूड है। अब बात करते हैं दोस्तों इंट्राडे चार्ट की। यहाँ पे कि चार्ट में क्या देखा, देखो ओपनिंग स्टॉक की बेटर तरीके से होती है, ठीक है ना। ओपनिंग अच्छे तरीके से होती है, ओपनिंग के बाद से हमें यहाँ पे करेक्शन है वो देखने को मिलता है। अब देखो इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, प्रॉफिट बुकिंग, लोगों का पैनिक होना, लोगों का ऊपर। देखो मान के चलो कोई भी शेयर है उसमें जब तक बड़ी क्वांटिटी की डिमांड नहीं बढ़ेगी ना शेयरों की, जैसा कि हमने जब पॉजिटिव अपडेट आई थी उस दिन देखा था कि 2-2.5 फीसदी स्टॉक ऊपर गया, क्योंकि खरीदारी हुई थी, लोगों ने पॉजिटिव अपडेट देखे, डिमांड बढ़ी, रिटेल ने खरीदा। जब बड़ा प्लेयर यहाँ पे बताना स्टार्ट करेगा ना, वो बहुत ऊपर ले जाके रखेगा। मतलब यहाँ पे कम से कम एक रैली आएगी ना, उसमें स्टॉक को 250 आसानी से कवर करता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज हमें समझना, अभी तेजी नहीं है इसका मतलब कि आगे तेजी नहीं आएगी। मेरा व्यू टोटली लॉन्ग टर्म वालों के, देखिए अपडेट आपके लिए आपके सामने बेट मैंने जैसा कि बताया। देखिए एसएमसीसी जो ग्लोबल है दोस्तों, एसएमसी जो ग्लोबल है उसके द्वारा चुने गए शीर्ष चार शेयर है, जिसमें से एक तो डाबर है, एनएचपीसी, विप्रो शामिल है। ये तीन शेयर एक यहाँ पे आपका दोस्तों, एक और है जो आपका इंद्रप्रस्थ सीमेंट है, ठीक है ना। ये चार शेयर उन्होंने यहाँ पे चुने हैं। देखिए एसएमसी ग्लोबल ने कहा कि विप्रो के लाभ लेने की एक श्रृंखला का अनुभव किया है और फरवरी 2024 में अपने 52वीं इकाई के सप्ताह के स्टॉक ऊपर पहुंचने में कामयाब रहा। साप्ताहिक अंतराल पर अपने 200 DMA की ओर वापस लौट रहा है। मतलब यहाँ पे स्टॉक हमें प्रॉफिट बुकिंग में दिख रहा है। मेन चीज भारतीय शेयर बाजार अपने रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में घरेलू ब्रोकरेज जो फर्म यहाँ पे एसएमसी है, जिसने चार स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट किए, जिसका देख सकते हैं डाबर इंडिया लिमिटेड है, एनएचपीसी हो गया आपका, विप्रो इंडिया मतलब विप्रो लिमिटेड हो गया, इंद्रप्रस्थ गैस हो गया, सॉरी इंद्रप्रस्थ गैस हो गया, ठीक है। इन शेयरों को लेकर, मतलब इन शेयरों को इन्होंने बताया कि इन पर हमें आगे पैसा बनता हुआ देखने को मिल सकता है, इनमें दाव लगाया जा सकता है। ब्रोकरेज ने पहले दो को तो यहाँ पे अपने मजबूत फंडामेंटल के अकॉर्डिंग चुना है, जबकि दो को बाद में तकनीकी मापदंडों के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म बेसिस है वो चुना है। इन काउंटरों पर इन्होंने बताया कि दोस्तों आगे देखो इनके फंडामेंटल को लेकर इन्होंने क्या बताया। खासकर हम बात करें अपने एनएचपीसी के बारे में, देखिए दोस्तों एनएचपीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विकास की पूरी श्रृंखला में शामिल है। ये जो मैं चीजें बताने जा रहा हूँ ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखिए 22% आगे तेजी के इन्होंने संकेत दिए, ठीक है। देखिए अवसाधना से लेकर कमिशनिंग तक मार्च 2024 तक कंपनी 26 पावर स्टेशनों के माध्यम से स्थापित है। जो क्षमता है वो 7,144 मेगावाट की क्षमता लेके बैठी हुई है। एनएचपीसी का पूरा योगदान पूरे भारत में 15% है हाइड्रो पावर के अंदर। टोटली जो पानी से बिजली बनती है उसमें कंपनी 15% मार्केट कैप्चर लेके बैठी हुई है। 100% में से योगदान इसका कितना है, 15%, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंपनी और 2047 तक का कंपनी का बड़ा प्लान है। प्रतिशत यहाँ पे इसका लक्ष्य 2032 तक 23 गीगावाट का है। करंट टाइम पे 7 गीगावाट है एंड यहाँ पे 2032 तक 23 गीगावाट है। वही 2047 तक इसका जो
टारगेट है वो 50 गीगावाट है। तो ये लेके कंपनी के मुद्दे से लेके चल रही है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इसकी योजना दोस्तों 2025-25 तक कंपनी 80,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगी। वही 2047 तक कंपनी 3,60,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है। कंपनी की भारतीय हाइड्रो पावर सेगमेंट में 15% की बाजार की मजबूत हिस्सेदारी के साथ कंपनी खड़ी हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने बताया कि लॉन्ग टर्म में कंपनी के प्लान क्या है। जैसा कि आपने देखा कि पूरे भारत में कंपनी 15% हाइड्रो पावर का काम कर रही है, मतलब जो क्षमता है अभी के टाइम 15% है। एंड जो यहाँ पे आपकी करंट क्षमता वो 7,144 मेगावाट है, जो कि आने वाले 2032 तक आपको 23 गीगावाट देखेगी लगभग। अगर इस लेवल से बताऊं मैं तो यहाँ पे कम से कम 120% की ग्रोथ रहेगी। कितने दिन में? आने वाले 6 साल के अंदर। कंपनी बहुत बड़ा विजन लेके चल रही है, जो कि ब्रोकरेज एंड बड़े बड़े एनालिटिक्स को ये चीज पसंद आ रही है, जो कि आगे के टारगेट देने के लिए भी इन्होंने। देखिए अभी के टाइम तेजी नहीं बन रही, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक आगे बाउंस नहीं करेगा। मेन पॉइंट है कि सही समय का वेट करें। जब स्टॉक को तेजी दिखाना होगा, कंसोलिडेट जोन खत्म होगा, देखना स्टॉक के अंदर एक बढ़िया बाउंस दिखेगा। जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं वो डेफिनेटली पूरे होंगे। करंटली 49 का स्टॉक का पी चल, सॉरी आरएसआई चल रहा है। यहाँ पे आपने देखा कि एक लंबा समय कंसोलिडेट में बीत चुका है। अब यहाँ से दोस्तों डेफिनेटली जल्दी ही धमाका हो सकता है, क्योंकि बजट पास आ रहा है। एंड जो ये गिरावट है इसके अंदर वॉल्यूम देखो, पहले से भी कम वॉल्यूम अभी के टाइम नजर आ रही है। तो भाई मेरे हिसाब से अभी के टाइम आप पेशेंस रख सकते हो, भी आपका है। इस वीडियो के अकॉर्डिंग कोई भी सेल बाय की रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो वीडियो बनाई गई है। तो चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी दबाओ ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको।